दुर्घटना से हो गया, वो गश्ती के दौरान आया तो उसको पता चला कि हम मार दिए हैं अपने पापा के साथ मिलके, हम नहीं कबूल किए, तो उसके बाद अपना धारा उड़ा लगा के हमको जेल भेज दिया गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज, मेरा नाम अभिषेक है। पत्नी की कोरोना से मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस लापरवाही के कारण पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पति 6 महीने जेल में रहता है और उसे फिर डीएसपी के सुपरविजन के बाद कोर्ट से बरी किया जाता है। हमारे साथ वो शख्स हैं, क्या कहेंगे चंद्रमौली जी, क्या पूरा मामला था और पत्नी की मौत कैसे हुई? जी, हमारी पत्नी का मौत कोरोना से हो गया, उसके बाद हम लोग अंतिम दाह संस्कार किए, उसके बाद घर पे थे तो अचानक पुलिस आ गई और हम लोग को उठा के हमको खास कर ले गया और बोला कि जो तुम जो है सो मार दिया है, तुम ऐसा कबूल करो, लेकिन हम नहीं कबूल किए, तो उसके बाद अपना धारा उड़ा लगा के हमको जेल भेज दिया गया। तो जेल में जब हम अंदर रहे, छः महीना जब हम अंदर रहे, उसके बाद चचा उच्चा जो है सो केस देख रेख करके उसके बाद जो है सो हमको रिहाई मिला। हुआ क्या था, शिकायत दर्ज कराई थी या चौकीदार ने, क्या मतलब हम आए तो देखे केस का नकल, तो उसमें लिखा गया था जो चौकीदार जो है सो गश्ती के दौरान आया तो उसको पता चला कि हम मार दिए हैं अपने पापा के साथ मिलके। उसके बाद जो है सो वो जो है सो केस लिखवाया। तो अब तो आपको बरी कर दिया जी, लेकिन काफी परेशानी हो रही। जी, बहुत परेशानी हुआ था, काफी आरोप लगाए गए। जी, अब बरी, आप कितनी खुशी है न्यायालय पर? न्यायालय से संतुष्ट है, जो है सो न्याय मिला हमको। मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। जी, मानव अधिकार आयोग जो है सो संज्ञान लेके हमारे पास पत्र आया कि जो वहाँ पे उपस्थित होने के लिए जो आपके साथ, क्या आप तो खुद पैरवी करते हैं इसमें, क्या हुआ था, आखिर क्यों ऐसा हुआ? वो बीमार थी कोरोना से, कोरोना के कारण मृत्यु हुआ। हम घर पर थे नहीं, घटना के तीसरे या चौथे रोज आया, उठा के स्कूल ले गया दरवाजे पर से। चौकीदार भी मनिका का था, मेरा हल्का का चौकीदार नहीं था, 5 किलोमीटर हल्का चौकीदार सबसे हुआ। वो लोगों से पता नहीं कि आसपास में क्या लगता, कारण क्या था? ये बायस्ड होके पुलिस वाले लोग किए। जी, पुलिस की लापरवाही, चुनाव पूरा चुनाव हुआ था और चुनाव में यहाँ हम खिलाफ किए थे, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। चुनाव जी सारा इसी का खामियाजा। जी, तो क्या लगता है, अब तो न्यायालय से? हाँ, अब न्यायालय से बड़ी हो गए, हम लोग उसको भूलना चाहते हैं। जी, न्याय मिल गया? न्याय मिल गया, वो तो ऊपर वाले देते हैं। जी, अच्छा, अब तो मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है मामले में। जी, उम्मीद है। जी, तो न्याय मिल गया, क्या लगता है, मुआवजा मिला था कि नहीं? मुआवजा हमको नहीं चाहिए। अच्छा, जो बीते बात को हम नहीं याद करना चाहते, हम उसको थी, उसके परिजनों का क्या कहना था? परिजन तो आके कोर्ट में बयान दिए हैं, डीएसपी साहब के यहाँ बयान दिए हैं, तब ना हम निकले हैं। वो कोरोना में साथ थी, उसके दाह संस्कार में साथ थी, सब लोग साथ थे। आपने सुना कि परिजनों ने क्या कुछ कहा, तो अब बरी हो गए हैं, कोर्ट ने बरी कर दिया है और डीएसपी के सुपरविजन के आधार पर यह बरी किया गया है। आपको बता दें कि अब मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और केस के आईओ को तलब किया है, उन्हें स्वयं उपस्थित होने को लेकर निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि केस के आईओ को उपस्थित किया जाए, तो कई सारी बातों को कहा है परिजनों ने। और तो पुलिस की लापरवाही के कारण पति को 6 महीने जेल में रहना पड़ा और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा परिवार वालों को। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।